क्या हाल है? प्लीज माफ कर दे। नहीं 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 कोई बात नहीं यार। ओए अच्छा कुछ वीडियो ना आपने घर वाले मारेंगे। अच्छा क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? स्कूल से आ रहे हो? गवर्नमेंट इकबाल है स्कूल से। अच्छा अच्छा इकबाल है स्कूल में, तो ये क्रिकेट भी खेलते हो? हाँ जी छुट्टी के बाद। छुट्टी के बाद अच्छा कोई बात नहीं, तो ये मोटर बाइक किसकी है? इसकी है। तो कोई बात नहीं मेरा बेटा, अभी छोड़ देते हैं आपको, अब आइंदा नहीं आएगा। आइंदा नहीं आना, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ लाइसेंस बना हुआ आपका? कोई बात नहीं बताओ, आप छोड़ देते हैं आपको। सर जी बना हुआ है आपका लाइसेंस? बना हुआ मेरा नहीं बना हुआ। किसका बना है? मामू का। ये मैं स्कूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं, आपको छोड़ देते हैं, घबराओ नहीं आप। तो ये मोटरसाइकिल किसकी है? चाचू की। तो इधर तो देखो ना, क्यों अंकल जी वीडियो ना आपने, घर वाले मारेंगे। घर वाले मारेंगे अगर वीडियो बनाएंगे? अच्छा जी ये बच्चा कह रहा है कि इसकी वीडियो ना बनाए, घर वाले मारेंगे, तो इसका चेहरा नहीं दिखाते हैं। चलो आप बताओ, ऐसे बता दो, कितने साल के हो आप? मैं 14। 14 साल के हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8 में। तो ये बाइक किसकी है? ये चाचू की है। चाचू की है? यस सर। चाचू की बाइक उनको बता के लाए हो या वैसे ही ले आए हो? चाचू को बता के लाए। तो चाचू आपको मना नहीं करेंगे? मना नहीं किया उन्होंने? मुझे मना किया था फिर, पर मैं मैच खेलने जाता हूँ स्कूल में। तो क्रिकेट खेलने जाते हो? यस सर। चले जी आप इधर आए जी। इमान साहब ये 14 साल का बच्चा है और वो छोटा बच्चा है, क्या करेंगे अब आप? ये स्टूडेंट है सर, अंडर ही बच्ची है, इनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। पेरेंट्स को बुला के उनसे हम इन राइटिंग एफिडेविट लेंगे कि आइंदा आपने बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं देनी। अगर आइंदा, अक्सर होता ये है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बगैर ही आ जाते हैं। अब देखना ये बच्चा अब रोने की पोजीशन में है। हाँ। मुझे लग रहा है ये अपने पेरेंट्स को बताए बगैर आ गया है। ऐसे ही है। इनके वाला साहब को बुलाएंगे, बड़े तो भाई को बुलाएंगे। हाँ। उनसे इन राइटिंग लिखवाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा अंडर एज है। हाँ। तो अब इसका फ्यूचर बनना है, तो उनसे हम इन राइटिंग लिखवा के इसको वार्निंग देंगे और दूसरा गेंस वन वे इसको चलान देंगे अब इंशाल्लाह। बहुत अच्छा इकदाम है सी डी ओ साहब का, वन वे की खिलाफवर्जी जुर्म है, ठीक है। लेकिन इसका हल क्या है? ये तो नहीं हल कि मैं ये इस गली में रहता हूँ, इधर मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इधर से आओ, पहले मैं 1.5 किलोमीटर इधर जाऊँ, फिर 1.5 किलोमीटर वापस आऊँ, ये सामने है, इस गली में से निकलूँ, बच्चों को सामने छोड़ने जाना। और माशाल्लाह पेट्रोल तो गवर्नमेंट ने 250 से नीचे करना ही नहीं ना, हालांकि परसों इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आया है, इन्होंने नीचे नहीं किया। आप बताएं इसका क्या हल है? फिर लोगों ने वन वे आ रही है देखे, अब फैमिली है ये सामने रहती है, इधर जाना है उन्होंने, सिर्फ 100 मीटर है रास्ता सामना, और ये वन वे नहीं जाएगी तो फिर किस तरह जाएगी? और आगाही मुहिम, इन्होंने कोई आगाह किया लोगों को कि भैया आपने वन वे का चलान 2000 किया है, अब ये कह रहे हैं साथ पर्चा भी देंगे, ये क्या है? जो बच्चा पर्चा ले रहा है टीनेजर है, क्या वो पूरी ज़िंदगी सरकारी जॉब के लिए नहल हो जाएगा? बहुत अच्छे सी डी ओ साहब, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है, यानी पूरी ज़िंदगी वो मैं ना वार्डन बन सकता है, ना पुलिस में जा सकता है, ना आर्मी में, क्योंकि उसके ऊपर पर्चा है। और ये ला पाकिस्तान का, ये कोई हल नहीं है। आगाही मुहिम